बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटन का कोरमा। 1 किलो मटन से ये कोरमा बनाएंगे और बहुत मज़ेदार और बिल्कुल देगी कोरमा, शादियों वाला कोरमा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बिल्कुल दानेदार, जो देगी कोरमा होता है वैसा ही कोरमा। तो बहुत आसान और बहुत लजीज रेसिपी है, तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम प्याज फ्राई करेंगे 1/2 किलो, जो मैं कर चुकी हूँ। अब हम इसमें मटन डाल देंगे वॉश किया हुआ। तो देखिए, हमने ऑयल इसमें 1 कप इस्तेमाल किया है, तो हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मटन है फैट वाला थोड़ा, तो इसलिए कम इस्तेमाल करेंगे ऑयल। और हाई फ्लेम पे हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून। तो लहसुन अदरक हम भूनेंगे नहीं, बस मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम करेंगे और कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, ये स्पाइसी नहीं है, आपके पास स्पाइसी है तो 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी बाज़ दफ़ा बहुत खुशबू वाली होती है, तो 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। और गरम मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला हमारा बहुत खुशबू वाला होम मेड है, इसमें जावती, जायफल, इलायची, बदियान और बहुत कुछ डाला हुआ है, तो हम ये गरम मसाला ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। हरी इलायची 4 अदद फुल भरे दानों की, और 8 काली मिर्ची है, 5-6 लौंग है, 1 दालचीनी का पीस है, नमक 1 टेबलस्पून। 1 किलो कोरमे में 1 टेबलस्पून नमक फिक्स होता है। और तेज़पत्ते हम ऐड करेंगे 2 अदद। बस हम लो फ्लेम में 30 सेकंड के लिए मसाले हम भूनेंगे। और मसाले भूनने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे 1.5 पाव। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होगा तो कोरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, खट्टा दही होगा तो कोरमे में खटास आ जाएगी। और दही हम फेंट के ऐड नहीं करेंगे, बस दही मिक्स कर रहे हैं, हाई फ्लेम करके मिक्स करेंगे। और जिस बाउल से हमने दही डाला है उसी बाउल से हम पानी ऐड कर देंगे, ताकि दही का बाउल साफ़ हो जाए। तो 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं, बस पानी हमें इतना शामिल करना है इसमें जो मटन है डीप हो जाए, मटन से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, ये मटन 1.5 घंटे में गल जाएगा, बस हम इतना पानी डालेंगे। आपका मटन 1.5 घंटे में गलता है या ज़्यादा वक्त लेता है तो पानी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है, हम कवर लगा देंगे और लो फ्लेम करेंगे तब तक के लिए मटन गल ना जाए। और लो फ्लेम करने के बाद हमें ये मसाले पीसने हैं जो देगी कोरमे में इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट देगी कोरमा बनता है इससे। तो हम तिल इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून, 1 किलो के हिसाब से हैं, और तरबूज के या खरबूजे के बीज 1 टेबलस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून। खसखस इसलिए ऐड कर रहे हैं, इससे ग्रेवी बनती है, एक दाना बनता है। और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, जायफल का छोटा सा पीस और जावत्री की 1 स्टिक है, और 3 अदद इलायची है, फूल भरे दानों की होनी चाहिए। बड़ी इलायची में से हम बीज निकालेंगे और इसका छिलका अलीहदा कर देंगे। और अब हम इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेंगे। बारीक पाउडर हम कर चुके हैं, अब मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून और नारियल पाउडर 1 टेबलस्पून। ये मसाला तैयार है कोरमे में डालने के लिए। और कोरमे को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, बहुत अच्छा गल के तैयार हुआ है ये। और लो फ्लेम से हम हाई फ्लेम कर देंगे। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी 1/2 किलो, वो ऐड कर देंगे। प्याज का कलर बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, और प्याज का चूरा करके ऐड करेंगे, प्याज मिक्सी में नहीं पीसेंगे। तो ये प्याज ऐड करने के बाद हम ये मसाले डाल देंगे जो पाउडर हमने बना के रखा था। अब हम इनकी भुनाई करेंगे, हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। तो तकरीबन 3 मिनट में भुनाई हो जाएगी। कोरमा 1 किलो से बना रहे हैं हम, तो 3 मिनट लगते हैं भुनाई में, और कोरमे की मकदार ज़्यादा है तो भुनाई का वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसमें 1/2 किलो प्याज इस्तेमाल की है। प्याज 3 छिलकों वाली है तो 1/2 किलो इस्तेमाल करेंगे, 1.5 छिलकों वाली प्याज है तो आप 1.5 पाव इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद हम कौड़ा एहसन इस्तेमाल करेंगे। चंद ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा महक अच्छी नहीं लगती। तो 1 किलो का कोरमा है तो चंद ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे, और चंद ड्रॉप्स हम इस्तेमाल करेंगे 1 किलो मटन के कोरमे में। और बस इसे हम मिक्स करेंगे, हिलाएंगे,
और उसमें बॉयल आ चुका है तो हम कवर लगाएंगे और लो फ्लेम करेंगे 10 मिनट के लिए, दम लगा रहे हैं। और 10 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे। तो देखिए हमारा लाजवाब बहुत शानदार कोरमा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल देगी कोरमा। और आप देख भी सकते हैं कितना शानदार हमारा कोरमा है, ये बिल्कुल दानेदार और शादियों वाला कोरमा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी है। और आप देख सकते हैं हमारा कितना दानेदार कोरमा बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को बेफिक्र होकर ट्राई कीजिए, आपका बहुत उम्दा और बहुत ज़बरदस्त शादियों वाला कोरमा बनके तैयार होगा। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी दुआ में हमें याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।